वेदिका जीजा प्लीज, उस दिन आप मजबूर थी पर आज मैं मजबूर हूँ। मारे और छोटे कोर्सा के ब्याह का सच आप सबके सामने ले आई है ना, वो हमारा ब्याह किसी और से करवाने जा रहे पर उनकी बिंदनी तो मैं हूं ना, मैं किसी और से ब्याह कैसे कर सकूं? ये सच सबको बता दीजिए। मैंने तुझे ये बात कल ही समझाई थी ना कि वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त की, जो मैं तेवर भाभी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ सकती थी। मैंने पूरा भरोसा हो गया जय वो मर्यादा नहीं तोड़ेगी, तब हमें थारी कोई जरूरत नहीं है। एक नई जिंदगी मिल रही है, जाओ और जाके अपना घर बसा ले। मैं घर बसा ले? ये आप क्या कह रही है वेदिका जीजा? आपने तो कोर्सा को मैंने सौंपा था ना, मैं उनकी बिंदड़ी हूँ। और कौन मानेगा जी सच? हाँ, तुझे क्या लग रहा है, तू जाके अगर सबको बता देगी तो ये सब मान लेंगे? तेरी बात पे भरोसा हो जाएगा इनको? हुकुम पर दहेज दासी का कोई मेल ना हो रहे, कौन अपनाएगा जी रिश्ते को? आज खुशी खुशी एक नया रिश्ता लाकर थने इस घर से विदा कर रहे, कल जी सच जानने के बाद धक्के मार के निकालेंगे, फिर क्या करेगी? हाँ, मेल है या ना मैंने नहीं पता, पर माता जी महाराज ने पग पग पर मारे और छोटे कोर्सा का मेल बिठाया है। वो यूं ही होने वाला संजोग ना हो सकता। मैं छोटे कोर्सा को सब सच बता दूंगी, पर उनका जो भी फैसला हो मैंने मंजूर होगा। चुनरी खमा गड़ी साहब, गड़ी खमा। जय भैरव सिंह और जय उनके बेटे अंकुश। अंकुश बैंक में नौकरी करता है, 30,000 रुपए कमाता है। मने लगता है कि चुनरी के लिए अंकुश बिल्कुल सही रहेगा। चुनरी एक दहेज दासी है, इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर होती तो मैं यहाँ बैठा होता। जय बना, मैं इन सब प्रथाओं को नहीं मानता। अच्छी खासी नौकरी है, घर परिवार है, अब बस एक अच्छी पत्नी चाहिए। और चुनरी के अतीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा एक बार देख ले अपनी होने वाली पत्नी को। बिल्कुल देखिएगा अपनी होने वाली बहू को, मिलवाने ही तो लाया हूं। मासा मैं लेके आता हूं चुनरी को। चुनरी तुम्हारा होने वाला दूल्हा तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। बैंक में अच्छी जॉब है उसकी, 30,000 सैलरी है। 30,000 एक दहेज दासी के लिए तो बहुत बड़ी रकम हो गई ना कोर्सा। इससे ज्यादा एक दहेज दासी मांगे भी तो क्या मांगे। चुनरी तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अगर मैं कहूँ आपकी तरह तो, अगर आप कुंवारे होते तो थाम लेते मारा, कर लेते मारे से ब्याह।
चुनरी, ये क्या मजाक है? तुमसे शादी? अरे ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम है हम दोनों, कोई मेल नहीं हमारा। हर बात पे तो झगड़ते रहते हैं हम दोनों, और मुझे लगता है कि अगर तुम इस हवेली में दहेज दासी बन के नहीं आती तो हम कभी मिलते भी नहीं। चुनरी मतलब मैं आपके प्रेम के लायक ना हूं? एक अमीर खानदान के पढ़े लिखे लड़के और एक टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली दहेज दासी का ब्याह ना हो? चुनरी मेरा वो मतलब नहीं, तुम ये क्या सवाल जवाब लेके बैठ गई हो? नीचे लड़के वाले आए, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चुनरी देखो, चुनरी अगर तुमने कभी भी मेरी इज्जत की है ना, तो तुम्हें उस इज्जत की कसम, प्लीज ये शादी के लिए मान जाओ। अरे ये आजादी है तुम्हारी चुनरी। आपने तो जवाब की जगह सौगंध दिलवा दी कोर्स। आपकी इज्जत तो हमेशा की है मैंने, पर आपकी ब्याह ना होके मैं किसी दूसरे से ब्याह कैसे कर सकूं? तुम्हारी खुशी और तुम्हारी आजादी के लिए मुझे ये करना होगा चुनरी। जी साहब को देखिए ना, कौन से जन्म का पाप धो रही है, खुले आम प्रथा तोड़ रही है, अरे दहेज दासी का प्यार करा रही है। चाहिए देखिए इसमें। बेटा, अभी तक वो आई नहीं। बाबा साहब शांत हो जाइए, नहीं तो सबके सामने हमारा भांडा फूट जाएगा कि शादी मेरी नहीं आपकी हो रही है। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। लीजिए आ गई चुनरी। तो चुनरी के लिए बड़ी खुशी हो रही है वेदिका, उसका घर परिवार जो बच जाएगा। देख लड़का भी कितना सुंदर और कितना पढ़ा लिखा है ना। अच्छा हुआ चुनरी ने जय को शादी का सच नहीं बताया, वरना मेरे बच्चे को जय का नाम नहीं मिल पाता। मन है छोरी पसंद है। बाबा साहब को बहू पसंद है तो मुझे भी चुनरी पसंद है। ये हुई ना बात, हमारी चुनरी है ही ऐसी। आज गंगौर के दिन चुनरी का रिश्ता पक्का हो रहा है। अंकुश पढ़ा लिखा है, आज के जमाने का है, तुम्हें कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ लो। मैं एक दहेज दासी हूं, हमारे से क्या पूछना? आपका हुकुम सर। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि हमारे यहाँ भी एक प्रथा होती है जिसे मैं मानता हूँ, उसमें शादी हमारे घर में होती है, और इसीलिए हम चुनरी को यहाँ से पहले विदा करेंगे और फिर घर में ले जाकर फेरे करवाएंगे। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो। हमारे यहाँ हर प्रथा का पालन हो रहे, आपके प्रथा का भी मान देंगे, आप इसे ले जा सकते हैं, अनुमति है आपको। Thank you.
फंसा ऐसे बिना शादी बिना फेरों के विदाई। जाने है ना, हमारे लिए प्रथा से बढ़कर कुछ ना हो वह, ये प्रथा भी मानी जाएगी। और सुना ना अंकुश ने क्या कहा, फेरे उनके वहीं से होंगे। अपनी तसल्ली के लिए तो खुद चले जाना बाद में, ये देखने के वास्ते कि चुन्नी वहां ठीक है या नहीं। और सुन ले जय, दहेज दासी सुनकर कोई भी ब्याह के लिए राजी नहीं होता है। बहुत मुश्किल से मिला एक अच्छा लड़का, क्या चाहे है तुम, ये रिश्ता गवा दे। मने ये रिश्ता मंजूर है, माताजी महाराज तुम दोनों को सदा खुश रखे। ले जाओ इसे, इसका सामान बाद में भिजवा देंगे। मैं तो आपकी सौगंध नहीं तोड़ सकती कुंवर, अब आप ही मने रोक लीजिए प्लीज। मने जी सब ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, रोक लीजिए कुंवर साहब। ये क्या तुम्हारे लिए, अब देखती रहोगी या खोलोगी भी? चुनरी तुम्हें ऐसे भेजना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें इस कैद वाली जिंदगी से आजाद करना ये बहुत जरूरी था। जा दहेज दासी जा, मने और मारे हवेली को थारे से छुटकारा मिल गया और थारे लिए एक नर्क थारा इंतजार कर रहा है, जहां से जीवन भर तने छुटकारा नहीं मिलेगा। लो बाबा साहब, आपको आपकी नई भी मिली, मुबारक। कोई चिंता न कर छेड़े, मैं रानी बना के रखूंगा तन्ने। छोड़ छोड़ मेरे को, धोखा किया हमारे साथ। खुल जा, ये तो चुनरी का गिफ्ट है, ऐसे ही वो उदास है, ये साथ रहेगा तो थोड़ा खुश रहेगी, कभी भारी होंगे। Oh
अगर मारे कोर्सा को तारे धोखे के बारे में पता चलेगा ना तो छोड़ेंगे ना तारे को। क्या बोली? छोड़ेंगे नहीं। तुम मारी जायदाद है, तेरे साथ कुछ भी करूं, कैसा भी बर्ताव करूं, इस सच बात को तू अपनी बेचैन बिठा ले। खबरदार, जब मेरे नाम के सिवाय किसी और मर्द का नाम जुबान पर आना भी नहीं चाहिए। कुर्जा! लगता चले गए। यह आवाज जय, तू अटे के कर रहा है? अंदर आ जा। आया मां साहब। चुनरी के ससुराल ही जाके दे आऊंगा, मिलना भी हो जाएगा। ओके मिस्टर बोलू, आपको कुछ दिन अपने फ्रेंड के बिना ही रहना पड़ेगा। गुस्सा मत होना, चलो। अरे राशि बिंदनी, दहेज दासी नाम का कबाड़ तो घर से बाहर हो गया, और भी घर में कुछ कबाड़ होगा, अखबार होगा तो ले आ जल्दी। काकी साहब, चुनरी कोई कबाड़ नहीं थी। अरे जय बना, आप भी काहिया बातों का बुरा मान जाओ। लगता है कि दहेज दासी इस घर से तो चली गई, पर थारे दिमाग से ना गई है ना। अरे मारी मातेश्वरी, एक काम ठीक से ना कर सके। जल्दी जल्दी उठा, काम करे कम है बिखरावे ज्यादा है। बताओ भला कैसे घोटाले हो रहे हैं अपने अटे? एक बेटे ने अपनी फोटो दिखाकर बाप की तीन तीन शादियां करा दी, और बाप भी सन की तीनों बिंदनियों की हत्या कर दी। और ये खबर ना अपने ही पास के गांव की है। ऐसे लोगों को तो फांसी हो जानी चाहिए। छोड़ो मैंने लगा रखा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैंने जाने दो, मैंने छोड़ दो। छोड़ दूँ तुझे? कुत्ता कभी मुंह में आई बोटी छोड़ दे है? अरे आज अपना ब्याह है,
दिखाना काकी साहब। अरे कठे हो सब लोग, गंगौर की पूजा का वक्त हो गया है, जल्दी आओ। आए मासा। मारे को क्या करना है, किसी को भी मारे, मारी मातेश्वरी हमारे सारे काम सब अरे। वैसे तू चांद का टुकड़ा है। मैं मर जाऊंगी, पठारी से ब्याह ना करूंगी मैं। अब तक 3 मार चुका हूं, अगर तू मर भी गई ना, थारी लाश से ब्याह रचाऊंगा। हाँ, चल। और सुन, 1 घंटे में आऊंगा, मर्जी से तैयार मिली तो ठीक, वरना जबरदस्ती तो मारा शौक है। ला। उधर देख, गाड़ी को देख, थारा 1 घंटा शुरू होता है। आप मैं इस बाप बेटे के गंदे मंसूबों को कभी पूरा ना होने दूंगी। आज घनघोर के दिन मुझे मारे सुहाग से दूर ना कर, मैं किसी और की सुहागन नहीं बन सकती। आज ठीक 16 दिन पहले ये जो हुए थे, बीच में जो तो आ गए, लेकिन आप मैंने छोड़ के चले गए यार। मैं जानू वेदिका, थारे लिए यश बना को भूलकर जय बना को अपनाना कितना मुश्किल है। अरे देख, तेरे जौं तो कितने बढ़िया हो गए। ये बर्तन चुनरी का है ना? अरे वाह, चुनरी के जौं तो बड़े ही सुंदर हो गए। इसका मतलब तो जे होवे कि सबसे सुंदर बीन तो चुनरी के ही भागों में है। और देखो, चुनरी का भाग भी खिल रहा है। घनघोर वाले दिन चुनरी का ब्याह जो है, माताजी महाराज सब शुभ संकेत दे रही हैं। बीनड़ियों, घनघोर की पूजा के लिए आ जाओ। आई सासूसा। चल। हे माताजी महाराज, मैंने तो छोटे कोसा की सौगंध का मान रखने के लिए हवेली की चौखट लांगी थी, कुछ सोचा ना था कि राक्षसों के हाथ बच जाऊंगी। अब तो राक्षसों का संहार करती है, अपनी बेटी को ना बचाऊंगी। आज घनघोर के दिन मेरे साथ ही अनर्थ होने से रोक लीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.